महंगाई चरम पर है, किसानों के आय दुगना के लिए बोले थे, राशन में कटौती कर दिया गया गरीबों के साथ, और सभी देशवासियों को 15 लाख रुपया खाता में देने का बोले थे कि 15 लाख, हाँ बोले थे, नौकरी 2 करोड़ साल में नौकरी बोले थे। यहाँ जुटे हैं, पार्टी के आह्वान है कि पटना को एकदम लाले लाल कर देना है, और जो भाजपा हटाओ रैली है देश से, इसलिए भाजपा के को यहाँ से हटा के और भाजपा मुक्त देश बनाना है। मोदी जी तो मार के धर दिया, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग, नहीं राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ना राशन नहीं मिल रहा है, कुछ सब दो चार सौ समय महंगाई है। देश के अंदर जो भी वादा किए थे प्रधानमंत्री आज फेलियर है, 9 साल उनका पूरा हो गया, अभी तक कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। जनता से पैसा मांग कर रैली करते हैं, ताकि मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी कहाँ से आएंगे, मोदी जी खत्म हो जाएंगे। देख रहे हैं, और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय, जो देखिए पीछे आपको ढोल नगाड़े बजते दिख रहे होंगे, बैंड बजता हुआ दिख रहा होगा। कारण सिर्फ ये है कि भाजपा का जो है वो आज रैली होने वाला है, और देखिए आपको बैनर के माध्यम से दिख रहा होगा किस प्रकार से आज इनका रैली है, इसमें साफ साफ तौर पर ये लिखा हुआ है भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली है, और ये तमाम लोग जो है आज इनके रैली में सम्मिलित होने जा रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे आखिर क्यों भाजपा हटाने की जो इनकी मांग पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ गई है भाजपा हटाने को लेकर, क्यों आप लोग इतना उत्साहित है। आज देश के अंदर जो भी वादा किए थे प्रधानमंत्री आज फेलियर है, 9 साल उनका पूरा हो गया, अभी तक कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। महंगाई चरम पर है, किसानों के आय दुगना के लिए बोले थे, राशन में कटौती कर दिया गया गरीबों के साथ, और सभी देशवासियों को 15 लाख रुपया खाता में देने का बोले थे कि 15 लाख, हाँ बोले थे, नौकरी 2 करोड़ साल में नौकरी बोले थे। नौजवानों पूरा देश ठगाने का काम आज महसूस हो रहा है। अरे भाजपा उससे क्या लगता है 2024 का शंखनाद तैयारी है, इसको एकदम यहाँ से हटा के ही हम लोग दम लेंगे। इंडिया गठबंधन में हम लोग का अहम भूमिका है, और इनको अब हटा के ही हम लोग दम लेंगे, दम लेंगे, हटा के दम लीजिएगा इनको, हटा के दम लेंगे, इसीलिए लाल सलाम लिए, लाल सलाम लिए हुए हैं। इन लोग से बात करेंगे, क्या कारण है यहाँ पे आप लोगों को सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ जुटे हैं, पार्टी के आह्वान है कि पटना को एकदम लाले लाल कर देना है, और जो भाजपा हटाओ रैली है देश से, इसलिए भाजपा के को यहाँ से हटा के और भाजपा मुक्त देश बनाना है। भाजपा मुक्त देश बनाना है, जी बिल्कुल लगे हुए हैं हम लोग, एकदम कोशिश में है। कितना लोकसभा का सीट आएगा आपका, कितना मिलेगा, क्या लगता है? हम लोग पूरे हिंदुस्तान में अब करीब 15 से 20 सीट हम CPI के केवल आएगा, 15 से 20 सीट, हाँ CPI। बंगाल से कितना आ रहा है? हर जगह मिला के हम बोल रहे हैं, हर जगह मिला के, हाँ, पूरे क्या लग रहा है, कहाँ मतलब एकदम भीड़ में जा रहे हैं, एकदम सब काम जा रहे हैं, रैली में, रैली में जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा इतना भीड़ उड़ है, पैसा वैसा का भीड़ नहीं ना है? पैसा जैसे हम लोग न देते, हम लोग मांगते हैं जनता से पैसा मांगते हैं। भाजपा का जो रैली होता है सुनते हैं कि शाम से ही लोग पहुँचने लगते हैं, हम लोग जैसे जब जनता से पैसा मांग कर रैली करते हैं, ताकि मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी कहाँ से आएंगे, मोदी जी खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इन लोग से बात करें, क्या मोदी जी आएंगे आपके? नहीं आएंगे मोदी जी, नहीं आएंगे ना, हम लोग के मोदी जी तो मार के धर दिया, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग, नहीं राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ना राशन नहीं मिल रहा है, कुछ सब दो चार सौ समय महंगाई है, पूरा महंगाई है हम लोग के, नहीं उतना नहीं मिल रहा है, मोदी जी को कुछ नहीं नहीं चाहिए, नहीं मोदी चाहिए, मोदी जी का पैसा नहीं, पैसा नहीं हम लोग। देखिए ये भाजपा का जो है वो रैली आज होने जा रहा है, और भाजपा के तमाम लोग जो है वो जा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से इन लोगों का रैली है आज, और एक तरीके से कह सकते हैं 2024 का जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है, और पहले ही बज चुका है, लेकिन अपना अपना शक्ति प्रदर्शन है वो जो तमाम पार्टियां वो करते हुए नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी कह सकते हैं भाजपा का आज जिस प्रकार से रैली हो रहा है, और देखेंगे पूरे पटना के सड़कों पर लाल झंडा यानी लाल सलाम से पूरा रंग चुका है पटना, और एक तरीके से कहिए कि भाजपा जो है अब शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और फिलहाल आप ही क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।